बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने वेक्टर्स का जनरली इंट्रोडक्शन कराया था। आज हमारा जो टॉपिक है 2.2, इसका नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा फिर रिव्यू करा देता हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली 90 के एंगल पर हों, उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया और वर्टिकल लाइन जिसको हमने वाई एक्सिस का नाम दिया, ये आपस में 90 का एंगल बना रही है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड या इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं ओ। और अब हमने वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो स्टार्ट करना है वो देखते हैं। हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। वेक्टर ए को हमने ओ एम से रिप्रेजेंट किया और वेक्टर बी को हमने ओ एन से रिप्रेजेंट किया। अब हमने करना क्या है कि वेक्टर बी को वेक्टर ए के अंदर ऐड करना है बाय हेड को पेलोड, और उसकी जो हमारे पास रिजल्टेंट आ गई उसको डिस्क्राइब करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए का पैरेलल वेक्टर या इक्वल वेक्टर वेक्टर बी का पैरेलल या इक्वल वेक्टर हम लेंगे और उसको वेक्टर ए के अंदर ऐड करते हैं। ये हम कंसीडर करते हैं हमारे पास वेक्टर बी है और हमने इसको वेक्टर ए के अंदर ऐड कर दिया। अब हमारे पास ओरिजिन में वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है उसको हमने कोइंसाइड करा दिया सेकंड वेक्टर की हेड के साथ, और हेड टू टेल को भी हमारे पास रिजल्टेंट जो आया वो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी। अब इसके कंपोनेंट्स भी हैं, कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं हम कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस के लिहाज से उसने जो टोटल रिजल्टेंट डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास आर एक्स है, और वाई एक्सिस के लिहाज से उसने जो वेक्टर्स ने डिस्टेंस वाई एक्सिस पे कवर किया वो हमारे पास आर वाई है। और जो हमारे पास आर एक्स है वो किस चीज़ के बराबर है, वो आर के बराबर, और आर वाई किस चीज़ के बराबर है, आर पी के बराबर। अब हम इसको एडिशन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है, और ओ आर किस चीज के बराबर है, ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब हम देखते हैं कि हमने चूंकि वेक्टर ए और बी को ड्रा करने के बाद सम प्रोजेक्शंस ड्रा की थी, अब हमारे पास ए की जो वेक्टर ए है उसकी वाई एक्सिस के लिहाज से प्रोजेक्शन ये थी, और हमारे पास जो वेक्टर बी है उसकी एक्स एक्सिस के लिहाज से प्रोजेक्शन एम एस थी, और इसी तरह हमारे पास वेक्टर बी की जो पोजीशन है सॉरी वेक्टर बी की प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है वो हमारे पास पी एस तक है, और वेक्टर ए की जो है हमारे पास वो क्या है एस आर विच इज इक्वल टू ए वाई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ओ आर है वो किस चीज़ के बराबर है, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस ओ क्यू आर, और क्यू आर इज इक्वल टू एम एस। तो हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि दो अगर पैरेलल वेक्टर्स हों जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो हम अब इसमें जो क्यू आर है उसकी जगह एम एस लिख सकते हैं इस रिलेशन में, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। अब जो हमारे पास ओ क्यू है उसको हमने नाम दिया हुआ है ए एक्स का, और जो हमारे पास एम एस है इसको हमने नाम दिया हुआ है बी एस का, और हमारे पास जो टोटल ओ आर है उसको हमने नाम दिया हुआ है आर एक्स का। तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब हमने आर एक्स की डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं। और हमने पढ़ा था कल कि हमारे पास तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक्स एक्सिस है,
ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको i यूनिट वेक्टर का नाम दिया जाता है, जो y एक्सिस का वेक्टर होता है हमारे पास उसको j यूनिट वेक्टर, और z एक्सिस के ऊपर जो वेक्टर आता है उसको हम k यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास फिर इसमें क्या आएगा, rx log x एक्सिस है तो इसके साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो किसके बराबर होगा, rx i यूनिट वेक्टर, और हमारे पास सॉरी ये हमने इधर m is equal to vx का ये भी वाई दिया, तो x एक्सिस का जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो क्या है, i यूनिट वेक्टर, तो क्या आ जाएगा axi यूनिट वेक्टर प्लस bi vx i यूनिट वेक्टर। अब i यूनिट वेक्टर इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं तो x एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, r है, xi यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ax plus bx i यूनिट वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास जो y डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर तो ये हम इसके बराबर है और p के बराबर है, और ये हम इसको ax ay और by के लिहाज से अगर स्प्लिट करें तो हमारे पास किसके बराबर है, और p इज इक्वल टू और s plus s p, तो हमारे पास क्या y एक्सिस के लिहाज से हमारे पास और y को जो हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, और p इज इक्वल टू और s plus s p, और s हमारे पास किसके बराबर है, ay वेक्टर के बराबर है, और हमारे पास जो s और p है वो किस चीज के बराबर है, b y यूनिट वेक्टर के, तो ay और b y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r के टोटल हमारे पास r y के बराबर है, और इसको हमने यूनिट वेक्टर के लिहाज से इसकी डायरेक्शन अगर लिख लें तो क्या आएगा r by j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ay प्लस by j यूनिट वेक्टर। अब हमने देखना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम थीटा कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले अब हमने और x का भी हमने कंपोनेंट निकाल लिया रिजल्टेंट वेक्टर के, x कंपोनेंट को भी निकाल लिया रिजल्टेंट वेक्टर के, y कंपोनेंट को भी हमने निकाल लिया, तो हमारे पास टोटल जो रिजल्टेंट वेक्टर है OP वो किस चीज के बराबर है, सम ऑफ x कंपोनेंट और सम ऑफ y, तो हमारे पास RP इज इक्वल टू सॉरी OP जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस चीज के बराबर है, OP व्हिच इज इक्वल टू हम O से R तक गए और R से P तक गए, तो व्हिच इज इक्वल टू O R R वेक्टर प्लस RP। अब हम इसमें देखते हैं, हमने प्रूव आगे किया कि हमारे पास जो OP है वो RX के बराबर है, और RX किस चीज के बराबर है, AX प्लस A सॉरी AX प्लस BX i यूनिट वेक्टर के, तो हमारे पास OP व्हिच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ आर की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, और हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई का वो हमारे पास क्या है आर बी, वो किसके बराबर है ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। अब हमने OP को क्या नाम दिया हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर r का, तो OP इज इक्वल टू r लिखते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर किस चीज के बराबर आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर और ये r इक्वल टू ax प्लस bx इन y यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू rx i यूनिट वेक्टर, और ay प्लस by इन j वेक्टर इज इक्वल टू ry j यूनिट वेक्टर, और हमारे पास ये r रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर आ गया। अब हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वो किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यानी i के साथ जो कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर प्लस y के पास जो कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस और y स्क्वायर, हमारे पास इसमें r x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें r y की जगह ए वाई प्लस बी वाई पुट कर दें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड को या तो हम थिंक करके लिखते हैं या उसके अगर ये मार्क
से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास r इज इक्वल टू आ जाएगा ax प्लस bx होल का स्क्वायर प्लस ay प्लस by होल का स्क्वायर। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, ax प्लस bx होल स्क्वायर प्लस ay प्लस by होल स्क्वायर। अगर इन केस हमारे पास कोई थ्री वेक्टर्स होते तो हम क्या कहते हैं, अगर उसका z कंपोनेंट b होता तो उसका जो रिजल्टेंट होता तो हमारे पास rx से रिजल्टेंट वो था ax प्लस bx प्लस cx यूनिट वेक्टर i हमारे पास आता, और y जो उसका कंपोनेंट होता वो क्या था, ay प्लस by प्लस cy आ जाता। और इसी तरह हमारे पास उसका जो z कंपोनेंट होता वो क्या था, az प्लस bz प्लस सी दैट आई यूनिट वेक्टर सॉरी इनटू के यूनिट वेक्टर आ जाता। इसी तरह हमारे पास अगर 3D में ये होता तो इसका मैग्नीट्यूड होता ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c सॉरी ax प्लस bx प्लस cx होल स्क्वायर। अब इसी तरह y का होल स्क्वायर और इसी तरह z के कंपोनेंट्स का भी होल स्क्वायर आता। अब हम चलते हैं इसमें एंगल थीटा की तरफ। एंगल थीटा हमारे पास वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनाता है ये, इसमें हमारे पास दो साइड यूज होती हैं। ये जो ट्रायंगल फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं तो ये दो साइड से मिलकर बना होता है। ये किस चीज के बराबर होगा हमारे पास, ये चीज ये बेस आर एक्स और ये परपेंडिकुलर आर वाई। तो एक्स कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास जो बेस और परपेंडिकुलर से मिलकर बना होता है, तो वो हमारे पास होता है टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास टेन थीटा किसके बराबर आ जाता है, फिर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है आर वाई और बेस हमारे पास क्या है आर एक्स। थीटा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई अवर आर एक्स। अब आर वाई और आर एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स प्लस सॉरी ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह अगर हमारे पास तीसरा कंपोनेंट होता तो हम उसको ऐड कर सकते थे। अब इसके बाद हमारे पास थीटा जो होता है वो उसकी वैल्यूज किस चीज पे डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है आर एक्स और आर वाई के ऊपर। अगर हमारे पास आर एक्स और आर वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो थीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। इसके लिए हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम लेते हैं व्हिच इज ये हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं हम, अगर r x है तो x एक्सिस r x इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी क्या होता है पॉजिटिव, तो हमारे पास r y भी क्या होगा पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट आता है इसमें r x क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है और r y इसमें क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। इसी तरह हम जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो r x भी क्या हो जाता है नेगेटिव और y एक्सिस बिलो द ओरिजिन का होता है नेगेटिव, तो हमारे पास इसमें और एक्स और वाई बोथ क्या होंगे नेगेटिव आएंगे। इसी तरह जब हम क्वाड्रेंट नंबर 4 में आते हैं तो हमारे पास क्या होता है आर एक्स जो कंपोनेंट होता है इसका वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन चूंकि वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन होता है तो ये हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा। आर एक्स पॉजिटिव और आर वाई नेगेटिव आएगा। इसको सेम चीज करने के लिए एक वैसे फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो आसानी के लिए, तो वो हम इस तरह कर लेते हैं कि ए एस टी और सी यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती हैं वो आर की सब के सब क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है हमारे पास इसमें साइन और
वो सेकंड पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। जो तीसरा क्वाड्रेंट होता है हमारे पास उसमें टैन और कोटेंजेंट पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव। और जो चौथा क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस और सेकंट पॉजिटिव होती है, बाकी सब की सब नेगेटिव होती है। अब हम इसके लिहाज से अगर देखें तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, टेन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड और फोर्थ में क्या आती है। फर्स्ट में जो के आर वाई और आर एक्स दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि सेकंड में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और सॉरी टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जो चौथा थर्ड क्वाड्रेंट होगा इसमें दोनों नेगेटिव हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और जो हमारे पास लास्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो हमारे पास टेन थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आज के लिए इतनी काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट।